कला एक ध्यान की प्रक्रिया बन सकती है। कोई भी क्रिया जब तुम उसमें पूरी तरह से खो जाते हो वह ध्यान बन जाती है। इसलिए केवल एक तकनीशियन बन के मत रह जाना। अगर तुम सिर्फ एक तकनीशियन हो तो चित्रकारी कभी भी ध्यान नहीं बन पाएगी। तुम्हें इसमें पागलों की तरह पूरी तरह से खोए हुए, ये ना जानते हुए कि तुम कहाँ जा रहे हो, ये ना जानते हुए कि तुम क्या कर रहे हो, ये ना जानते हुए कि तुम कौन हो, वैसे शामिल होना होगा। होने दो। पेंटिंग को पेंट नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसे होने देना चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सिर्फ आलसी बने रहो, नहीं, तब ये कभी नहीं होगा। जिसको हम कहें कि जैसे तुम पर भूत सवार हो जाए वैसे ही कला भी तुम पर सवार हो जाए। तुम्हें इसे करना भी है और फिर भी नहीं करना। इस कला का जन्म जरूर तुमसे होगा लेकिन फिर भी तुमसे नहीं। यही सारी कला की कुंजी है, यही पूरी गुत्थी है। तुम्हें सक्रिय होना है और फिर भी करता नहीं होना है। तुम्हें अपनी सक्रियता को किसी ऐसी चीज से प्रेरित होने देना है जो तुमसे परे है। जब भी कोई महान अनुभव होता है, चाहे वह सौंदर्य का हो, सत्य का हो या प्रेम का हो, उसके बाद एक गहरी इच्छा अंदर होती है उसे व्यक्त करने की। जब तुम अज्ञात में जाके जो है अपनी क्रिएटिविटी को, अपने सृजन को जो है शुरू करते हो, तो वहां तुम एक दूसरे ही आयाम में प्रवेश कर जाते हो। तुम अपने हायर नेचर को भीतर इन्वाइट करते हो जो कि सृजन करता है। अगर तुम अपनी पेंटिंग में, अपने नृत्य में, सांस लेने में, गाने में, जो कुछ भी तुम कर रहे हो उसमें पूरी तरह से खो सकते हो, उसी में आनंद की घटना घट जाती है। आर्टिस्ट को पागल होने की हिम्मत दिखानी होती है, अज्ञात में जाने के लिए तैयारी दिखानी होगी, तभी सच्ची कला घटेगी। प्रणाम।